देखो 10th तक तो स्कूल सेम ही चलता रहता है, उसके बाद कर देते हैं जातिवाद वाला सीन। देखा आपने, डिवाइड कर देते हैं साइंस कॉमर्स आर्ट्स, कहते हैं 10वीं तक सेम पढ़ाई है, उसके बाद होता है ना एक कैटेगरी चुननी पड़ेगी। साइंस पढ़ना है जिसको वो साइंस लेगा, कॉमर्स पढ़ना है वो कॉमर्स ले लेगा, आर्ट्स पढ़ना है वो आर्ट्स ले लेगा। मुझे साइंस पढ़नी थी, मैं साइंस पढ़ना चाहता था पर साइंस मिला नहीं। चाहत से कुछ नहीं होता, नंबर भी चाहिए थे। साइंस में जैसे तैसे पास हुआ था बस, 34-35 नंबर, तो कहाँ से साइंस मिलता। मैंने कहा तो फिर कॉमर्स दे दो, तो कॉमर्स ले लिया। बाद में जाके रियलाइज हुआ कि यार सही करा जो करा भैंस, मैं तो कह रहा हूँ आर्ट्स ले लेता तो ज़्यादा सुखी रहता। हाँ सीरियसली कुछ फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा यार, आप चाहे साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, सेम ही करियर है, मिलनी नौकरी नहीं है। बेरोजगार ही घूमोगे तो फायदा कुछ भी नहीं है, बल्कि पढ़ना ज़्यादा पड़ जाता है। साइंस में बहुत पढ़ना पड़ता है यार। मेरे साथ के जो दोस्त वगैरह थे साइंस ले लिए, उन्हें भैंचो टीन का चश्मा लग गया था, यहाँ पे निशान वगैरह ऐसे लगते थे ना भैंचो जैसे पढ़ के नहीं दे के आ रहे हो, ट्यूशन से निकल रहे एकदम सदमे में कि यार वो वाला फॉर्मूला कैसे कैसे क्रैक कैसे। और हम भैंचो कॉमर्स वो भी विदाउट मैथ लिया था मैंने, मैथ की मुझे पता था मैथ की वैल्यू झांट बराबर है, क्योंकि वो वैल्यू निकालता है ना एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू। मैंने सीधा पूछ दिया उससे तेरी वैल्यू क्या है, तो मैंने मैथ्स नहीं ली थी। एकदम सुकून की जिंदगी थी, कुछ भी नहीं था कॉमर्स के नाम पे पढ़ने के लिए, सिर्फ अकाउंट्स को छोड़ के, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, नथिंग एल्स। मजा आ रहा था और बहुत सुकून की जिंदगी चल रही थी, हम बिल्कुल चिल हो के, कोई सब्जेक्ट ही नहीं ऐसा जो टफ जो ऐसी तैसी करते। मैंने मैथ्स के बदले सोचो अब क्या लिया होगा, मैंने फिजिकल एजुकेशन। मैंने कहा उसके बराबरी की चीजें चाहिए, कहते क्या फिजिकल एजुकेशन ले लो, मैंने फिजिकल एजुकेशन लेके घूम रहा हूँ। मैंने कहा मजा आ रहा है, बढ़िया है। और साइंस में इतने ज्यादा प्रेशर लेके देखते हो पढ़ के, उनकी हालत खराब हो जाती है और मौज भी नहीं ले पाते बेचारे। हमने देखा है भाई सबसे ज्यादा मौज लेते आर्ट्स वाले, अलग ही माहौल चल रहा होता उनका, उनके टीचर भी कूल बिल्कुल, हाँ अलग ही पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ना पढ़ो नहीं तो बिल्कुल चिल रहते हैं, कुछ है भी नहीं सब्जेक्ट में पढ़ने के लायक ना, रट्टा मार लो फर्रे बना लो बहन चो काम चल जाएगा। साइंस में बहन चो बहुत पढ़ना पड़ता है। मेरे भाई ने ले ली थी साइंस जिद करके, हाँ कि मैं पढ़ूंगा कुछ करूंगा, हाँ मैं यहाँ मौज में जी रहा हूँ, उसकी लगी पड़ी रहती है। बहन चो इतना पढ़ा फिर भी फेल हो गया, फेल का कलंक लेके जी रहा बेचारा। हाँ मैंने कहा, और एट द एंड मैंने कहा मिला क्या, कहता है पता नहीं। मैं तो करा क्यों था ये भी पता नहीं। हाँ भाई कोई फायदा नहीं है, जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ जो भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर साइंस वाला बेकार हो जाता है, लेकिन मेरे भाई जैसे लोग कहीं के नहीं रहते। काबिलियत ही नहीं थी बहन, तो डोनेशन दे के साइंस ली थी, तभी समझ गया था इसकी जिंदगी झांट होनी है। आगे डिग्री भी नहीं ले पाया, किसी काम का नहीं रहा। फिर बाद में मुझसे कह रहा मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, एक्टिंग कर लेता। तो मैंने कहा पहले ही कर लेता, अभी तक तो तू पढ़ने की एक्टिंग ही कर रहा था, कुछ नॉलेज है तेरे पास, कुछ भी नहीं होता यार। और आप देख लो, सीरियसली बता रहा हूँ, साइंस में आप बीटेक कर लेते हो, एमटेक क्रैक कर लिया, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ो लिख के आए और वहाँ नौकरी के लिए गए, नौकरी में टेक्निकल में काम ही नहीं है। कह रहे मुझे टेक्निकल करना है, तो करो। हमारे यहाँ नहीं है बहन चो, साइंस से बीटेक एमटेक करके बहन चो कॉलिंग कर रहे हैं, हेलो मैम जी क्या ऐसा ही समय है आपसे बात करने का, जब तुम्हें भी वही करना है तो हम में क्या बुराई थी यार। मैं खुद पछता रहा था, सोचो मैं पछता रहा था कि काश मैं आर्ट्स ले लेता यार, थोड़ा और चिल कर लेता, एक अकाउंट जैसा सरदर्द है, सच में सरदर्द लगता है बहनचो, एक सवाल चार पेज में खत्म हो रहे हैं और बहनचो लॉजिक भी नहीं है कुछ उसका यार, पता नहीं किसकी बहनचो माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट और फाइनल टोटल, दिमाग का भोसड़ा बन गया। और एट द एंड करना क्या आपको, सीए के नीचे बहनचो टट्टे सहला रहे 6,000 की नौकरी के लिए, और सीए कह रहा है कि बहन तो सहला भी सही से नहीं पा रहा, काम सिखाने के नाम पे सिर्फ वो दोनों हाथ में टट्टे दे देता है, सहलाते रहो। सबसे बेस्ट आर्ट्स है उम्मीद ही नहीं, उनको पता है वो कितने पानी में है और इसलिए वो अच्छा कर जाते हैं। हर काम उनकी पढ़ाई के हिसाब से सेट है, मतलब ज्यादा ही है, क्योंकि पढ़ाई के नाम पे वो करते ही क्या है, स्कूल में भी हिला के ही आ रहे हैं बहन चो, हाँ
आर्ट्स के बच्चों देखे मैं जो बिना बैग के बिना घूम रहा है। मैंने कहा तू बैग कहाँ रखा है? कह रहा बैग क्यों लाऊं भाई? मैं कह बहन जो बैग नहीं लाएगा? कह रहा किसी की चुरा लूंगा। उनका पहले से चल रहा एकदम सेट। हम बहन चो यहाँ बहन चो कॉपी मैनेज करके आ रहे हैं, हाँ कॉमर्स में होते हुए भी, और साइंस में देखता था बहन चो मेरा भाई ऐसे चलता उसकी कूले बहन चो झुक गए हैं। इतना बोझा लेके गया है भाई। और साइंस वाले बहन चो बंदे इतने चूतिए लगते हैं मेरे को, मैं उनको देखता हूँ ना तो मैं कहता हूँ तुम्हारी जिंदगी तो ऐसी बर्बाद है। मैं खुद सोच रहा हूँ बहनचो सताए हुए लगते हैं यार, बहुत सताए हुए लगते हैं। बहनचो चिल कर रहे होते हैं, बहनचो आर्ट्स वाले अलग ही चिल कर रहे होते हैं, वो दीवार तोड़ रहे होते हैं। और आर्ट्स वालों से दोस्ती थी मेरी, हाँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड था उनसे। मेरे पास आते हैं कहते भाई ये स्कूल में कुछ बेकार चीजें उसको गिरा दें। मैं कहा क्या? कह रहा है लैब। कह रहा ना तुम्हारे काम का है ना हमारे काम का, दोनों मिलकर तोड़ दें दीवार। मैंने कहा पहन तो किस काम का है साइंस लैब जब हमारे मतलब की नहीं है, हमने तोड़ दी। तो भाई ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ फर्क नहीं पड़ता, और नहीं पढ़ने वाले तो मत पढ़ो यार, मौज लो स्कूल में। मैं तो कह रहा हूं स्कूल जगह ही है मौज लेने की, क्योंकि स्कूल में नहीं लोगे मौज तो कब लोगे, जब जिम्मेदारी आ जाएगी सर पे। तो इसलिए मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। बाय।